हमीरपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी बिल वर्तमान सरकार द्वारा वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने अपर जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांग पूरी करने की बात रखी। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास करने के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एडीएम कार्यालय में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की आनन फानन में 3 किसान विरोधी बिल सरकार द्वारा पास किए जाए, जो पूरे देश के कृषकों के लिए हानिकारक है, जिस कारण अब देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। मांगे पूरी ना होने पर किसानों के हित में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने की बात कही गई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है ये जो 3 बिल अनाहक रूप से हमारे भारतीय किसानों के ऊपर लादे गए हैं, जिनसे किसानों का अहित हो रहा है बराबर, और मंडी और बिचौलिए के बीच में जो सामंजस्य बैठा रही है नरेंद्र मोदी सरकार, जिससे किसान हमारा त्रस्त हो जाएगा। इन्हीं 3 बिलों का हम विरोध कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाए। आज हम किसान गरीब की मांग लेके आए हैं, माननीय की अवगत कराना चाहते हैं इस सरकार को, माननीय योगी जी को, कि आज वो स्थिति आ गई है कि आज लोग सड़क सड़क घूम रहे हैं और किसान इतना बेकार हो चुका है कि उसका गल्ला नहीं पैदा कर पा रहा, इतना अन्ना पशु घूम रहे हैं। और उसी 3 बिल को लेके जो पास किया गया है, जो आज हमारे किसान जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं, हमारी बहनें और हमारे भाई, और बेरोजगारी जो चल रही है आप तो देख ही रहे हो देश में, और हम उसी को लेके हम आज माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देने हैं। हमीरपुर यूपी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।